प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। वन, हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन मार्कर्स, वो डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में 15 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में भी मैंने डाल दिया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मैं आपको एमसीक्यू ऑप्शंस दूंगी, तो आपके पास टाइमर होगा, आपको पहले आंसर खुद सोचना है 5 सेकंड्स में, उसके बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट में मैंने कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जो आपको 2 मार्कर्स और आंसर्स में अगर आप वो वर्ड्स या वो पॉइंट्स मेंशन करो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का स्कोप है, तो मैंने वो वाले पॉइंट्स भी एंड में मेंशन कर दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आंसर है अलेक्जेंडर क्यूमिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। नेक्स्ट, द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स व्हाइल डिस्कवरिंग आर्टिफैक्ट्स, तो इसका आंसर है फंक्शंस, क्योंकि जो मटेरियल्स होते हैं उनमें हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं मतलब वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते थे, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में आर्कियोलॉजिस्ट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। ये मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस होती है आर्कियोलॉजिस्ट्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन इज लोकेटेड इन, इसका आंसर है राजस्थान। आप मैप में देख सकते हो ये वाला एरिया कालीबंगन है जो आज राजस्थान का पार्ट है। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, तो इसका आंसर है हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट पाथ इज सिचुएटेड इन, आंसर है मोहनजोदड़ो। ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर था जो कुछ इस तरीके की उसकी पिक्चर है। माना जाता है कि ग्रेट बाथ का जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या नन ऑफ दीज, तो आंसर है हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑल दो हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी अनडेसिफर्ड है, लेकिन हमें ये पता है कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, क्योंकि राइट में स्क्रिप्ट के हर वर्ड में प्रॉपर स्पेस दी गई है, लेकिन लेफ्ट में जाते जाते ऐसा लगता है कि उनके पास जगह कम पड़ गई, तो उन्होंने छोटा छोटा करके मतलब वर्ड्स को पूरा फिल करने के लिए लिखा हुआ है, तो आंसर है राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम मीन्स हड़प्पा में कॉपर कहाँ से लाया जाता था, तो इसका आंसर है ओमान। हमें ऐसे ट्रेसेस भी मिले हैं मीन्स हड़प्पन पॉट्स वगैरह हमें ओमान में मिली हैं, जैसा मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, जो ये बताती हैं कि शायद कॉपर ओमान से लाया जाता होगा। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, लेकिन ASI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड या फिर रिकवर्ड फ्रॉम हड़प्पा, तो इसका आंसर है होड्स, क्योंकि लोग उस टाइम पे जो प्रेशियस चीजें होती थी वो संभाल के रखा करते थे। बरियल्स क्या होते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसे दफनाया जाता है, तो हमें जो बेसिक गोल्ड ज्वेलरी रिकवर हुई है वो हमें होड्स से रिकवर हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये सेंटेंस चुनहु दारो वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है. इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, क्योंकि चुनहु दारो में बीड मेकिंग और शेल कटिंग ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर टाउन्स ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन मीन्स ऐसे टाउन्स आपको बताने हैं जो सी के पास हैं, जहां पे पोर्ट है. तो इसका आंसर है लोथल. चुनहु दारो और धोलावीरा ये दोनों ऐसी जगह हैं जो थोड़ी दूर हैं. ये लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, मीन्स इसके आसपास लैंड ही है, समुद्र नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गॉडेस वर्शिप बाय हरप्पा सिविलाइजेशन, इनकी इमेज भी आपकी बुक में बनी हुई है. ये उनकी इमेज है. और इसका आंसर है मदर गॉडेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन मेल डांसिंग नटराज फाउंड एट, आंसर है हरप्पा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी उसका आंसर है हरप्पा. इसे आप मोहनजोदारो से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि हरप्पा पहले डिस्कवर हुई थी, उसके बाद मोहनजोदारो डिस्कवर हुई है. लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया, इसका आंसर है राखीगढ़ी. अब आप सोच रहे होंगे कि मोहनजोदारो हरप्पा में से कोई भी नहीं बोला, मैंने राखीगढ़ी बोल दिया. क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मैंने बोला है लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया. मोहनजोदारो ये पाकिस्तान में चला गया. मैंने आपको चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि हरप्पा सिविलाइजेशन तब का जो पूरा एरिया था वो आज के कुछ एरियाज अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है और कुछ इंडिया में है. तो जो एरियाज इंडिया में है उसमें सबसे बड़ी जगह राखी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट साइन इंस्क्रिप्शन कितने नंबर्स का है, इसका आंसर है 26. वेट्स मेड ऑफ स्टोन, मतलब वेट्स जो तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे वो कौन से पत्थर के बनाए जाते थे. तो आंसर है चर्ट. चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे. और सील्स मेड ऑफ स्टोन, जो सील्स हैं वो कौन से पत्थर की बनाई जाती थी, तो आंसर है स्टेटाइट. स्टोन स्टेटाइट की बनाई जाती थी. अगला क्वेश्चन है, टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सिटेडल. सिटेडल जो है ये मोहनजोदारो का ही पार्ट था. इसमें दो स्ट्रक्चर्स जो हमें मिले हैं ये मैंने एक्सप्लेन भी किए थे और मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है. तो अगर आपको ये दो स्ट्रक्चर्स बताने हो तो वो कौन से हैं, इसका आंसर है वेयरहाउस एंड ग्रेट बाथ. ये दो स्ट्रक्चर्स थे. ग्रेट बाथ का मैंने आपको पीछे भी एक एमसीक्यू में एक्सप्लेन किया था और वेयरहाउस मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो वेयरहाउस का स्ट्रक्चर है इसका नीचे वाला हिस्सा आज भी सर्वाइव करता है, ऊपर का शायद वुड का बना था जो वक्त के साथ खराब हो गया और आज वो एग्जिस्ट नहीं करता. मोहनजोदारो मीन्स, तो इसका आंसर है माउंट ऑफ डेथ. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि पता होने चाहिए. हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आंसर है जॉन मार्शल. ये उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे और इन्होंने अनाउंस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को. अब REM व्हीलर के आने से पहले मैंने बताया था कि एक गलती की जा रही थी जिसके कारण हमारी काफी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो रही थी.
तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी जो REM व्हीलर जब वो डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने अडॉप्ट की? तो आंसर है स्ट्रेटिग्राफिक लेयर, क्योंकि REM व्हीलर से पहले जो डायरेक्टर जनरल्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, एक जगह पे जो भी चीज मिलती थी उसे एक कैटेगरी में बांट देते थे, पर REM व्हीलर ने अलग अलग लेयर्स में जो चीजें मिली उन्हें अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया, क्योंकि जो सबसे नीचे मिट्टी में चीज दबी हुई है वो पुरानी है, जो अब रिसेंटली आपको सबसे ऊपर मिली है वो नई चीज है, तो इसे उन्होंने इन लेयर्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी ये किसने लिखी थी? तो आंसर है SN रॉय, और इन्होंने ही इसमें लिखा था कि जॉन मार्शल इंडिया को 1000 ईयर्स पुराना डिस्कवर करके जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय हरप्पन्स, मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स थे जो वो लोग घर में पाला करते थे? तो इसका आंसर है कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन हरप्पा सिविलाइजेशन, मींस जंगली जानवर जो हरप्पा सिविलाइजेशन में मिले हैं, तो हमें ऑब्वियसली उनकी हड्डियां वगैरह बोन्स मिली हैं, तो आंसर है बोर, डियर और घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन्स फाउंड एट हरप्पा सिविलाइजेशन, आंसर है वीट, बार्ले, लेंटन यानी कि दालें, चिकपी, चना, सेसमे, तिल, ये सब चीजें हमें हरप्पा साइट्स पे मिली हैं। अदर नेम ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन, इसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूं ताकि आपको याद रहें, आंसर मेकिंग में हेल्प करेगा आपकी। व्हाट डज हरप्पन सील्स कंटेन, तो उसमें एनिमल या प्लांट मोटिफ बना होता है ऊपर और नीचे साइंस, वो ऐसी स्क्रिप्ट से लिखे हैं जो हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए, मीन्स हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स, आर्कियोबॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट, बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है प्लांट्स की स्टडी करने के लिए, तो उसकी पढ़ाई जो करते हैं वो बॉटनिस्ट, तो आर्कियोबॉटनिस्ट। हु आर द स्पेशलिस्ट इन एंशियंट एनिमल रिमेन्स, तो आंसर है आर्कियोजूलॉजिस्ट, ये वो होते हैं जो एनिमल्स के रिमेन्स यानी कि बोन्स मिली या कुछ भी उनके रिमेन्स मिलते हैं उनसे वो स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ वेल्स फाउंड इन मोहनजोदारो, कितने कुएं मिले थे मोहनजोदारो में, तो आंसर है 700 वेल्स वर डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड एज लग्जरीज, तो आंसर है फायंस, फायंस को एक लग्जरी माना जाता है क्योंकि उसे जिस तरीके से बनाया गया है माना जाता है उसकी टेक्निक कॉम्प्लिकेटेड है, और फायंस की बनी हुई चीजें हमें मोहनजोदारो या हरप्पा वाले एरिया में ही मिलती हैं, तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि वो लग्जरी होगा। मोहनजोदारो के दो पार्ट्स हैं, उन दो पार्ट्स का नाम बताना है आपको, तो आंसर है सिटेडल और लोअर टाउन। सिटेडल जो है वो छोटा है बट उसकी हाइट ऊपर है, लोअर टाउन उसमें साइज में वो बड़ा है लेकिन उसकी हाइट कम है, वो नीचे है। मोहनजोदारो का एरिया कितना है, सो एरिया ऑफ मोहनजोदारो इज 125 हेक्टेयर्स। एरिया ऑफ चुन्हुदारो इज 7 हेक्टेयर्स। सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज्ड फॉर, मीन सील्स और सीलिंग्स किस पर्पस से बनाई जाती थी, तो उसका आंसर है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के पर्पस से यूज की जाती होंगी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो अलेक्जेंडर क्यूमिंगम को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। विच रिलीजियस टेक्स्ट मेंशंस रुद्र, तो आंसर है ऋग्वेदा। आर रुद्र एंड प्रोटो शिवा सिमिलर,
रुद्र जो हैं वो ऋग्वेदा में मेंशन है और प्रोटो शिवा ये इस तरीके की सील्स हैं जो हमें हरप्पा में मिली हैं। क्या वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं? तो आंसर है नहीं, वो दोनों काफी डिफरेंट है। प्रोटो शिवा में जो शिव जी का रूप दिखाया गया है उसके आसपास एनिमल्स बैठे हैं, लेकिन रुद्र बिल्कुल डिफरेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन, मीन्स उन्हें जो पता होता है कि आज पॉटरी क्ले निडल्स किस पर्पस से यूज की जाती हैं, वो उसी से ही अननोन में जाते हैं कि शायद उस टाइम भी कुछ ऐसा ही यूज किया जाता होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन, प्रेजेंट टू पास्ट भी कह सकते हो आप। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स रेफर टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ, आंसर है सी फेयरर्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि अ स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यूज टू बी नोन एज अ प्रीस्ट किंग। ये प्रीस्ट किंग का नाम कहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने डेवलप किया, क्योंकि हमें हरप्पन स्क्रिप्ट तो पता नहीं थी, क्योंकि हमें मेसोपोटामियन हिस्ट्री पता है और वहां पे प्रीस्ट किंग मेंशन्ड है और माना जाता है कि ये दोनों एक ही टाइम पीरियड के हैं, इसीलिए इसको प्रीस्ट किंग लेबल किया गया है। अब हरप्पा का जो कल्चर है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली हरप्पन एंड लेट हरप्पन। लेट हरप्पन का टाइम वो है जिसमें हरप्पा सिविलाइजेशन में आप कह सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिटोरेट हो गया था, मींस पहले से अब सब कुछ थोड़ा खराब हो गया था। स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, स्टैंडर्डाइज्ड सील्स, कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं था, सब कुछ लोकल वेट्स लोकल ब्रिक्स यूज होने लग गई थी। हाउस उतने अच्छे से प्लान्ड नहीं थे जितने अच्छे से पहले घर प्लान करके कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, उतने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी। तो लेट हरप्पन सिविलाइजेशन वाला वो वाला टाइम पीरियड है। नागेश्वर एंड बालकोट, ये दो ऐसी सेटलमेंट्स हैं जो कोस्ट पे हैं और ये शेल ऑब्जेक्ट्स मींस शेल की बनी हुई चीजों की स्पेशलाइजेशन होती थी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे शेल से अलग अलग चीजें बनाई जाती थी नागेश्वर और बालकोट में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो चैप्टर 1 12th क्लास हरप्पा सिविलाइजेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो आप मुझे झटपट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।